इस वीडियो में बात करेंगे इन्फिनिक्स जीरो 20 के बारे में, जो इस स्मार्टफोन की प्राइस रखी गई है उस प्राइस के साथ में क्या आपको इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको ये वाला स्मार्टफोन लेना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़ जाए। सबसे पहले अगर डिजाइन की बात की जाए तो इन्फिनिक्स जीरो 20 स्मार्टफोन में आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाती है, 3 कलर में हमें स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। बॉक्सी डिजाइन के साथ में आगे की तरफ हमें पंचोल कटआउट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें हमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 180Hz के यहाँ पर हमें टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमें 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल रही है और यहाँ पर हमें पंचोल कटआउट भी मिल जाता है। तो इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले की क्वालिटी होने वाली है बहुत अच्छी होने वाली है। कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए हमें स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। कैमराज की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 108MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें हमें 108MP का तो मिल जाता है प्राइमरी कैमरा, इसके साथ में 13MP का मिल जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा और छोटू सा एक हमें 2MP का माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये 2MP की जगह पे अगर 5MP और दे देते ना तो इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती। अभी भी आपको अच्छी कैमरा क्वालिटी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर बात की जाए फ्रंट साइड की तो यहाँ पर वर्ल्ड का पहला ये ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 60MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ में। तो यह दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि इन फीचर्स के साथ में आ रहा है। तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको फ्रंट साइड की कहें बैक साइड की कहें दोनों अच्छी मिलने वाली है। अगर मैं आपसे बात करूं परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर हमें ऑक्टाकोर का मीडियाटेक हीलियो G99 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है। इसी के साथ स्मार्टफोन में हमें XOS 12 देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉइड 12 बेस्ड है। स्मार्टफोन में हमें 5GB की वर्चुअल रैम मिल जाएगी। यहाँ पर हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 8GB की रैम 128GB वाला वेरिएंट और 8GB की रैम 256GB वाला वेरिएंट, इसके साथ में 5GB की वर्चुअल रैम। तो टोटल यहाँ पर हमें 13GB की डायनेमिक रैम देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप माइक्रो SD कार्ड के साथ में इसकी स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2TB तक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब कि 2000GB तक का। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 45mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ में हमें 45W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। स्मार्टफोन में हमें वाईफाई 802 देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ V5.0 देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। तो मैंने आपको इन्फिनिक्स 020 स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशंस तो बता दिए। अब फाइनली मैं आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस बता देता हूं और क्या हमें इस प्राइस के साथ में इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए वो बताने से पहले यार वीडियो को लाइक कर लो। इन्फिनिक्स ने अपने 020 स्मार्टफोन की इंडियन मार्केट में प्राइस रखी है 15,999 रुपए, जिसमें आपको 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। तो वैसे आपको ठीक ठाक प्राइस में ये वाला स्मार्टफोन मिल जाता है। यहाँ पर हमें 5GB की वर्चुअल रैम भी देखने को मिल रही है, कैमरा सेटअप भी अच्छा दिया गया है, डिस्प्ले भी अच्छी देखने को मिल रही है और रैम रोम भी काफी हैवी भरपूर दी गई है। एक अच्छा स्मार्टफोन है, आप चाहे तो बाय कर सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है आपको स्मार्टफोन खरीदना है नहीं खरीदना, जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। मिलता हूं मैं आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में।